हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द इन्फ्लोसेंस। ठीक है, इलेवेंथ क्लास एनसीईआरटी का हमारा ये फिफ्थ चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में डिस्कस किया था। हम हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो कुछ इसका इम्पोर्टेंट कंटेंट है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, उनको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना के हैं, ताकि ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो लास्ट जो वीडियोस थी या जो स्टेम था, उसमें हमने दो तीन चीजें हमने पढ़ा था। क्या था वो? कि जैसे कि ये कोई स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे ये स्टेम है और इसमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ये कोई स्टेम है जिसपे क्या प्रेजेंट है? नोड्स प्रेजेंट है। ये नोड है, ठीक है, ये नोड है और ये भी क्या है? ये भी नोड है। ये दोनों नोड है और इनके यहाँ पे जो इनके दोनों के बीच का जो पोर्शन है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटरनोड। ठीक, और यहां पर जो नोड है, इसी पर किसका फॉर्मेशन होता है? इस पर ही लीव्स का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। और यहां पर इसके एक्सिल में एक बड होती है, जिसे कहते हैं हम एक्सिलरी बड। ठीक है, एक्सिलरी बड प्रेजेंट है। ये वाला पॉइंट हमने स्टेम में हमने पढ़ा था। ठीक है, और जैसे हमने लीफ के पार्ट वगैरह सब पढ़े थे, लेकिन हम यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब एक छोटा सा प्लांट बनाते हैं कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये उसकी रूट्स हैं और यहाँ पर जो प्लांट्स है इस तरह से, वो ये उसका शूट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर नोड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर किसी लीव्स का फॉर्मेशन हुआ एक, ठीक है, और यहाँ पे क्या थी? एक्सिलरी बड है, तो एक्सिलरी बड ने एक ब्रांच का फॉर्मेशन कर लिया इस तरह से। ठीक है, और एक ब्रांच यहाँ पर लीव प्रेजेंट थी, नोड थी, तो यहाँ पर किसका? ब्रांच का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर जो नोड पे है क्या प्रेजेंट है, सॉरी ब्रांच है, इस पे क्या प्रेजेंट है? नोड्स प्रेजेंट है इस तरह से। ठीक है, तो ये नोड्स क्या है कि जो यहाँ पे जो नोड्स हैं, इनके जो बीच इंटरनोड है, इसका जो इसकी लंबाई है या इसकी लेंथ है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसके कारण ये नोड्स हैं ये पास पास में आ जाते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर नोड्स पास पास में आ गए तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये नोड्स जो कंडेंस्ड होकर इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं थैलेमस। ठीक है, यहां पर जो नोड्स हैं वो क्या हैं? ये क्या कौन सा पार्ट है? कंडेंस्ड नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, यही किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? यही थैलेमस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि नोड्स, अगर जो दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन है, अगर वो घटकर कम हो जाएगा तो नोड्स पास पास में आ जाएगी, तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको कहते हैं थैलेमस। ठीक है, अब यहां पर जो थैलेमस अल्टीमेटली क्या है? कंडेंस्ड नोड और इंटर नोड ही तो है। ठीक है, अब यहां पर जो इसमें प्रेजेंट होता है शूट एपिकल, नोड्स में क्या प्रेजेंट होता है? शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, और यहां का जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोवर मेरिस्टम में। जो फ्लोवर मेरिस्टम है, यही आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करता है? फ्लोरल लीव्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फ्लोरल लीव्स,
फ्लावर लीव्स या हम कहें फ्लोरल अपेंडिजेस, सॉरी फ्लोरल फ्लोवर मेरिस्टेम किसका फॉर्मेशन करता है? फ्लोवर लीव्स या फ्लोवर अपेंडिजेस का फॉर्मेशन करता है। कौन कौन से होते हैं वो, कौन कौन से फ्लोवर अपेंडिजेस हैं? पहला है सेपल और दूसरा है पेटल और इसके बाद है स्टेमन और कार्पल। ये फोर टाइप के जो फ्लोवर लीव्स हैं इनका फॉर्मेशन करता है फ्लोवर मेरिस्टेम। और इनका जो फॉर्मेशन है वो सीक्वेंस वाइज ही होता है, फर्स्ट में ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। किस तरह से सीक्वेंस? सबसे बाहर या सबसे बाहर जो लीव्स का फॉर्मेशन होगा वो होगा सेपल का, ठीक है, उसके अंदर पेटल का, ठीक है, और यहाँ पर जो उसके अंदर जो फॉर्मेशन होगा वो होगा स्टेमन का, और सबसे सेंट्रल में जो फॉर्मेशन होता है किसका होता है? कार्पल्स का। और यहां पर इस तरह से ये क्या है? ये थैलेमस है, ठीक है, ये थैलेमस है, कंडेंस्ड नोड का स्ट्रक्चर है, ये थैलेमस है। और यहां पर जो एक फ्लोवर का जो स्टेम है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेडिकल। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक फ्लोवर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया है यहां से। तो अल्टीमेटली जो फ्लोवर लीव्स का फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है? कंडेंस नोड और इंटर नोड नोड से हुआ है, क्योंकि अगर जो कंडेंस नोड और प्लस इंटर नोड से हुआ है, क्यों हम तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, फ्लोवर लीव्स है उसका फॉर्मेशन किससे हुआ? नोड से ही हुआ है। तो ये सब सारे स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, और इसे ही हम आसानी से यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए हैं ताकि हम सारी चीजें आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसका मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस होता है द अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर on the फ्लोवर axis, फ्लोरल axis, ठीक है। क्या होती है फ्लोर axis? ये हमें डायग्राम में दिया गया है, यहां पर जो ये ब्रांच है इसे क्या कहते हैं? फ्लोरल axis, ठीक है। और जहां पर फ्लोवर प्रेजेंट होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, या इसे ही एक नाम से और जाता है जैसे पिडंकल, ठीक है। और जहां पर फ्लोवर प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं पेडिसिल। सॉरी पेडिकल, ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? पेडिकल नाम से इसे जाना जाता है। तो यहां पर हमने थोड़ा सा जो स्टेटमेंट से पहले हमने इंपॉर्टेंट पार्ट देख लिया था, इसके बाद हम चलते हैं जो स्टेटमेंट है उनको समझने के लिए। ए फ्लोवर इज ए मॉडिफाइड शूट, ठीक है, फ्लोवर क्या होता है? फ्लोवर क्या होता है? एक मॉडिफाइड शूट होता है, वेयर इन, जिसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोवर मेरिस्टेम, ठीक है। जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा था कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्लोवर मेरिस्टेम में, ठीक है। और जो फ्लोवर मेरिस्टेम है, यहां पर यह स्टेटमेंट को खत्म कर दिया गया, ठीक है। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेटेड एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड, ठीक है, जो इंटरनोड है वो लंबी नहीं, डू नॉट इलोंगेटेड या लंबाई में उनकी जो लेंथ है वो बढ़ती नहीं है, और एक्सिस गेट कंडेंस्ड, जो उनकी एक्सिस है, जैसे कि ये कोई इंटरनोड्स थी, ठीक है, जैसे इनकी लंबाई घट जाएगी तो जो एक्सिस है वो ऐसे कंडेंस्ड हो जाएगी और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा जिसे कहेंगे हम थैलेमस, जैसा कि हमने अभी देखा था। द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोवर अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स, ठीक है। यहां पर जो अपेक्स है, या हम कहें इसी की बात कही गई, अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस,
जो अपेक्स है वो डिफरेंट काइंड के फ्लावर अपेंडेजेस प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से? सेपल, पेटल, और सेपल था, पेटल था, और उसके बाद कौन कौन से फ्लावर एक्सिस हैं? स्टेमन है और कार्पल है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर लेटरली, लेटरली यानी कि हम कहें लेटरली कैसा होता है, साइड में। ठीक है, एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव, लीव्स की जगह क्या प्रोड्यूस, नोड क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस करती है, क्योंकि यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम जो प्रोड्यूस करता है लीव्स, यहाँ पर फ्लोवर मेरिस्टेम है वो क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लोवर लीव्स प्रोड्यूस, फ्लोरल लीव्स प्रोड्यूस करता है या फ्लोवर अपेंडेजेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हेन एट शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर इट इज ऑलवेज सोलिटरी, सोलिटरी मींस अकेला होता है। ठीक है, या सिंपल सिंगल होता है, अकेला अकेला होता है। जब व्हेन ए शूट टिप, जो शूट टिप फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो हमेशा अकेला होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई, यहाँ पर जिस फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ है वो अकेला है। ठीक है, यहाँ पे भी आप सकते हैं अकेला है, यहाँ पर भी है क्या, अकेला है, तो हमेशा कैसा होता है, अकेला ही होता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो अरेंजमेंट को लिया गया है, वो यहाँ पे जो डेफिनेशन है इन्फ्लोरेसेंस की वो है यहाँ पे, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस इज टर्म एज इन्फ्लोरेसेंस। जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का फ्लावर एक्सिस पर, ये फ्लावर एक्सिस पर है, इस पर जिस तरह से फ्लावर का अरेंजमेंट है इसे ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, और ये कैसे होता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप इनटू ए फ्लावर और कंटिन्यू ग्रो। इसका मीनिंग क्या है, कंटिन्यू ग्रो। टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, रेसिमोस और साइमोस। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है कि ये जैसे कोई ब्रांच है, इसको किस किस बेस पर डिवाइड किया गया है, कि या तो ये ब्रांच है ये वो कंटिन्यू ग्रो करेगी, या इसके जो टर्मिनल है यहाँ पर किसी फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स, जो एपेक्स है, गेट्स डेवलप इनटू ए फ्लावर, या तो एपेक्स फ्लावर में डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और कंटिन्यू ग्रो, या फिर कंटिन्यू ग्रो करेगा। ठीक है, इस आधार पर, इस बेस पर जो इन्फ्लोरेसेंस है इसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है, पहला है रेसिमोस और दूसरा है साइमोस। रेसिमोस और साइमोस क्या होता है, इनको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रेसिमोस, या इसे ही कहते हैं इंडिफाइनाइट। ठीक है, दूसरा है साइमोस, या इसे ही कहते हैं डिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट का मीनिंग क्या है, इनडिफाइनाइट मीन, देख यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट है अब हमें वो देखने हैं। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो, जो इसकी मेन एक्सिस है, ठीक है, या हम कहें पेडंकल है, वो कंटिन्यू ग्रो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोई स्टेम है, ये कंटिन्यू ग्रो करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यह है फ्लोरल एक्सिस, या इसे ही कहते हैं पिटंकल, यह कंटिन्यू ग्रो करता है। ठीक है, दैट्स मीन इसके टर्मिनल पर या एपेक्स पर किसी भी फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, इसके टर्मिनल पर यहां पर किसी भी टाइप के फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता। द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन, लेटरली या हम कहें साइड में, लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। ठीक है, एक्रोपिटल सक्सेशन, या इसे ऑर्डर कर लो आप,
एक्रोपेटल ऑर्डर में लगते हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर क्या होता है? एक्रोपेटल ऑर्डर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो ओल्ड लीव्स हैं वो कहां होंगे? लोअर साइड में, ठीक है। और जो न्यू फ्लावर्स हैं वो कहां होंगे? वो अपर साइड में होंगे, ठीक है। किस तरह से कि यहां पर कोई किसी यहां पर एक फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ, फ्लावर एक्सिस पे यहां पर फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ और यहां पर फॉल फ्लावर बन गया है, इसे हमने एक नंबर दे दिया, ठीक है। जब न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो वो कहां होगा? इसके अपर साइड में होगा, यहां पर मान सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर एक फ्लावर का फॉर्मेशन, इसे नंबर दे दिया 2। और अगर इसके बाद कोई नया फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ तो वो यहां पर होगा इस तरह से, इसे नंबर दे दिया हमने 3। और एक नए फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ तो वो यहां, इसे हमने नंबर दे दिया 4, ठीक है। इस तरह से इनमें फ्लावर का फॉर्मेशन होगा और इसको कहते हैं हम एक्रोपिटल ऑर्डर, जिसमें नए फूल अपर साइड में होते हैं और जो पुराने फ्लावर हैं वो लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसकी जो मेन एक्सिस है, जो पिडंकल है, यहाँ पर इस पर किसी भी तरह के फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए ये कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो डायग्राम है ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का ही दिया गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किसी ब्रांच पर ऐसे फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी ये ब्रांच यहाँ पर है, यहाँ पर एक नोड प्रेजेंट है जो ऐसे ग्रो करेगी, ठीक है, इस तरह से आगे ग्रो करेगी और यहां पर किसी फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो स्टेटमेंट है साइमोस का है। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस, जो मेन एक्सिस है, इस तरह से ये कोई मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर, जो मेन एक्सिस है उस पर किसी फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। हेंस इज लिमिट इन ग्रो, जिसके कारण ये लिमिटेड हो, इसकी ग्रो लिमिटेड होती है, ठीक है। यहाँ पर किसी टर्मिनल पर अगर फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया तो उसकी ग्रो क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। ये पहला कैरेक्टर है साइमोस का। दूसरा कैरेक्टर क्या है? The flower are bound in basipetal order, ठीक है। basipetal order क्या होता है? basipetal order just इसका opposite होगा, ठीक है। जो old flower हैं, ठीक है, वो कहाँ होंगे? upper side पर होंगे। और जो new flower है वो किस side होगा? टूवर्ड बेस, या हम कहें लोअर साइड, ठीक है। किस तरह से कि यहां पर एक जो टर्मिनल है इस पे फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, अब इसके बेस साइड पर या लोअर साइड पर किसी ब्रांच का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, और यहां पर एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब अगर इसके आगे, इसे हमने नंबर दे दिया 2, ठीक है। तो यहां पर जो नया फूल है, नया फ्लो, जो पुराना फ्लावर है अपर साइड पर है और जो न्यू फ्लावर है, ठीक है, जो ओल्ड फ्लावर है अपर साइड पे है, जो न्यू फ्लावर है वो डाउन साइड से या हमें बेस साइड से निकल रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं बेसिपेटल ऑर्डर। अब अगर किसी नए फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो कहां से होगा? यहां पर होगा, यहां पर इससे, इस तरह से, इसके बेस से, ठीक है। और इसे नाम दे दिया हमने 3। यहां पर फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ इस तरह से, और यहां भी फ्लावर का फॉर्मेशन होगा और इसे हमने नाम दे दिया 3। इस तरह से फ्लावर का फॉर्मेशन होगा और इसको ही कहते हैं बेसिपेटल ऑर्डर। अगर इसके बाद भी किसी नए फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो वो कहां से होगा? वो यहां से होगा इस तरह से, इसको हम कहेंगे 4, ठीक है। तो
तो इस टाइप से अब ओल्ड फ्लोवर अपर साइड का फॉर्मेशन होता है और टुवर्ड बेस से इसका या लोअर साइड से इसका फॉर्मेशन हुआ, इसको कहेंगे हम बेसिपेटल ओल्ड। तो इसके बाद खत्म हो गया, तो बस ये ही इतना ही दिया था एनसीईआरटी में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे फ्लोवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइमोस टाइप का इन्फ्लुएंस दे रखा है। यहाँ पर जो मेन एक्सिस है जिसे कहते हैं हम पेडंकल, उस पर यहाँ पर टर्मिनल पर जो एक एपेक्स है उस पर फ्लोवर का फॉर्मेशन हुआ वन, फिर यहाँ से आगे चलकर इस तरह से फ्लोवर का फॉर्मेशन आया इससे टू टू, और इससे फिर उसके बेस से नए फ्लोवर का फॉर्मेशन हुआ थ्री। ठीक है, इस तरह से इस फ्लोवर का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसमें से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आती रहे। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट यही है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें कन्वर्ट हो जाता है फ्लोवर एपिकल मेरिस्टेम में। उसके बाद इसका अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो फ्लोवर होता है वो कैसा होता है, हमेशा सॉलिटरी होता है। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस के डेफिनेशंस हैं। इन्फ्लोरेसेंस के डेफिनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर इन द फ्लोवर एक्सिस इज टर्म एज इन्फ्लोरेसेंस, ये हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद रेसिमोस में हम पढ़ सकते हैं, पहला स्टेटमेंट ये है जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट ये है, कौन से ऑर्डर में लगी होती है, लेटरली एक्रोपिटल सक्सेशन में लगी होती है। देन उसके बाद जो साइमोस टाइप है इसके लिमिटेड, ठीक है, इसके एक्सिस पे क्या फ्लोवर का फॉर्मेशन हो जाता है, और दूसरा कौन से ऑर्डर में लगे होते हैं, बेसिपेटल ऑर्डर में लगे होते हैं इस तरह से। सॉरी ये इसमें हाईलाइट हो गया, हम इसको करते हैं येलो में। वाओ, कलर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे द फ्लोवर। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो इंटरनोड है कंडेंस्ड होकर किसका फॉर्मेशन कर लेती है, थैलेमस का। थैलेमस में ही शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है जो किसमें कन्वर्ट होता है, फ्लोवर मेरिस्टेम में, और फ्लोवर मेरिस्टेम फ्लोवर लीव फ्लोरल अपेंडिकस का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि सेपल है, पेटल है, स्टेमन है और कार्पल। इसके अलावा भी कुछ होते हैं फ्लोवर होल जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में या द फ्लोवर में इसमें ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।